बेटा फिश देख रहा है? फिश, ओ छोटू छोटू मछली, मछली जल की लानी है, देखा? पकड़ के देखेगा, देखा तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आ गई हूँ किचन। अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 7 या 8 बज रहे होंगे, मैं अभी टाइम देखा नहीं है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ टमाटर का पेस्ट, रेडी करना है तो इसके लिए मैंने प्याज इसमें भुनने के लिए डाल दिया और लहसुन डाल दिया है। अब इसमें टमाटर थोड़ी देर भूनूंगी। मुझे थोड़ी सुबह सुबह भूख लग जाती है, सो मैं अपने लिए यहाँ पे तरबूज ले लिया है, वो कट करके थोड़ा खा लिया। अब थोड़ा पेट में शांति मिला। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू पराठा। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि सत्तू पराठा बनाऊँगी, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। गर्मी के टाइम तो मैं यूजुअली उसे शरबत बना के ही पीती थी, बट अभी ये बचा हुआ है, रेनी सीजन हो गया है, अगर इसे ना बनाओ तो ख़राब भी हो जाएगा। सो मैं इसका सत्तू पराठा बना दे रही हूँ, वैसे सबको बहुत पसंद है घर पर भी। बाहर से आवाज़ आ रहा है, मछली वाली आंटी आई हुई है, ताजी ताजी मछली लेके आती है। वीक में 2 दिन आ ही जाती है, अगर हमें लेना होता है तो हम उन्हीं से लेते हैं। तो वो बाहर से गिट खटखट आ रही, आवाज़ दे रही है, हम लोग लेते ही हैं तो वो आके रुक जाती है। मागुर कैसा देते हैं? 120 रुपया पौआ। तो मागुर तो ज़्यादा ही लेते हैं। ये वाला डेक्सी वाला 100 रुपये में। हाँ 70 से 100 हो गए। 70 कर दिया देंगे तो सिंगल 80। ओके तो 70 के दे है तो लाख के दे भाई। के हाँ एक के दे। छोटा साइज है ठीक है। अभी बरसात पहुंचा इसलिए मछली अच्छा है नहीं? हाँ इस दिन मछली रहा अच्छा रही है। आज मछली वाली आंटी बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ लेके आई हैं, वैसे हमें तो छोटी मछली ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे चिंगड़ी मछली है और छोटी वाली मछली है, फिर बासपत्ता है, मांगुर है और कोई एक मछली है, मुझे नाम नहीं पता। हमने चिंगड़ी लिया, बासपत्ता लिया, मांगुर लिया, मिक्स करके लिया। अभी उसकी ग्रेवी बनाएंगे, उससे पहले मैं यहाँ पे नाश्ते रेडी करने के लिए आ गई हूँ। वैसे तो मैं टमाटर जो मैंने उसको भून के रखा उसकी चटनी बनाऊंगी, सोची थी कि क्या बोलते हैं पराठे के साथ अच्छा लगता है, बट अभी मछली ले ली है तो उसमें बहुत सारा टमाटर लगता है। अभी टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ 120 है पर केजी। आपके यहाँ कितना है? मेरे यहाँ तो अभी 120 है। कपड़ा भी डाल दी ताकि वो हो जाए साथ में। और मैं आ गई हूँ नीचे, यहाँ पे मछली के लिए ग्रेवी रेडी कर रही हूँ, जो मैंने पीस के रखा था टोमेटो और सरसों मसाला रेडी किया था। तो इसमें पानी ऐड कर देंगे, मसाला रेडी हो गया और फ्राई किया हुआ मछली डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पकने के लिए दे देंगे। वैसे तो ये पका हुआ है, बस थोड़ी देर हो गया इसकी ग्रेवी मिक्स हो जाए अच्छे से।
आफ्टर लंच विशु काफ़ी परेशान कर रहा था, तो मैं उसे फर्स्ट फ्लोर में लेके आ गई हूँ। टीवी ऑन कर दिया है, बट वो टीवी तो देख नहीं रहा है, मस्ती उसका चालू है। ऐसे किसी तरह पे भी बहला फुसलाना पड़ते रहता है। कुछ कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। कुछ कुछ तो लगता है बेटा बब्बा। मेरा इधर कपड़ा भी वॉश हो गया, कपड़ा खातू खातू को लेंगे बाहर ड्राई करने के लिए डाल देंगे। यहाँ पे विश्व गोद से उतर ही नहीं रहा है, उसे लेके ही मुझे कपड़ा पसारना पड़ रहा है। क्या है ना, अभी 2-3 दिन से बीमार में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसी वजह से वो कभी भी इधर उधर नहीं जाना चाहता है, ना ही खेलना चाहता है, बस मम्मा के पास ही रहना है, उसे गोद में उठा के ही घुमाते रहना है, जो काम करना है गोद में ही लेके करना है, ऐसा हो गया है आजकल। और काफ़ी जिद्दी भी हो गया है, जो उसको चाहिए वो चाहिए। अभी इवनिंग का टाइम है, मैं एप्पल कट करके विशु को खिला रही हूँ, अगर वो खाएगा तो थोड़ा थोड़ा खा रहा है। अभी बीमार की वजह से वो कुछ खा ही नहीं रहा है, बस दूध पी रहा है। उठा नहीं सकेंगे बेटा गमला को? हाय दीदी कर दो। और मैं लेके आ गई हूँ विशु को इवनिंग वॉक के लिए। वेदर आज अच्छा लग रहा है, और इधर हम लोग फुचका भी खा लिए, और बगल वाली भाभी के घर घुसे थे तो वहाँ गुलाब फूल तोड़ लिया। मुझे अपने बालों में गुलाब फूल ऐसे लगाना बहुत अच्छा लगता है। और इवनिंग में समोसा और चाय, और डिनर में बना है रोटी भिंडी और पुदीना।